मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी में कक्षा 7 में इकाई 4 कथनी और करनी का पठन करवाऊंगी। कथनी और करनी यानी कथनी यानी बोलना और करनी यानी काम करना। इसका मतलब है कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं या नहीं करते। इसमें कुछ कहानी के स्वरूप से, उदाहरण के स्वरूप से कथनी और करनी का बोध कराया गया है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। जीवन यापन यानी जीवन पसार करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, यानी मनुष्य के बोलने में और काम करने में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, यानी ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। उनको कई गुणों से उसे सवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, यानी घमंड होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती यानी एक बोर्ड के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे यानी बहुत सुबह जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे फूल की बात कर रहे हैं। यहाँ एक सज्जन ने फूल लगाए, उगाए, फिर उन्होंने तख्ती लगाई और फिर वो ही आदमी फूल तोड़ रहे थे। इसका मतलब उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो तख्ती लगाई, वो उससे उल्टा ही खुद ही उसको काम को बिगाड़ रहे हैं। अब बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, यानी धूम्रपान करना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। केबिन यानी ड्राइवर की जो सीट होती है, वो आगे जगह होती है वो बस में। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। दोनों कौन? तो ड्राइवर बस का और बस का कंडक्टर, दोनों ने सिगरेट जलाई और दोनों सिगरेट पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, शीघ्र यानी जल्दी से बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए।
कंडक्टर ने क्या कहा पैसेंजर को कि यह वाक्य आपके लिए मतलब बीड़ी और सिगरेट पीना मना आपको है पैसेंजर को है ड्राइवर और कंडक्टर यानी हमारे लिए नहीं है। एक व्यक्ति दुकान पर गया स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा आपने इसे मना नहीं किया वह बोला यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन आदर्श की बातें यानी अच्छी बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़ता है तो वे आदर्श भूल जाते हैं यानी अच्छे काम करना भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया तपाक से यानी जल्दी से जवाब दिया पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। उसने क्या कह दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। इसलिए वो मालिक मकान मालिक समझ गया कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है क्योंकि पिताजी घर पर नहीं हैं तो पिताजी कैसे कह सकते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए पानी पानी होना यानी शर्मा जाना जिसे देखकर वो सज्जन शर्मा गया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है वे जल बिजली जल यानी पानी बिजली यानी लाइट पानी और लाइट के बिल जमा कराने गए साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर कतार यानी लाइन लंबी लाइन देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा यानी जो लाइन में खड़े थे उन्होंने ध्यान से देखा लाइन वालों को कि आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया परिचित यानी एक पहचान वाला आदमी खड़ा दिखाई दिया। वे जल्दी उसके पास गए और बोले बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा दादाजी लाइन में लगिए ना। उनकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण यानी इस प्रकार का स्वभाव अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता वे हंसी के पात्र बनते हैं वे मजाक के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए यानी हम जो बोलते हैं वही हमें करना चाहिए। हम अलग बोले और अलग काम करें वो अच्छी बात नहीं है। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान।